सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा नोट जमकर वायरल हो रहा है। धमकी भरे नोट में लिखा गया है कि करिश्मा मेरी है, बारात लेकर मत आना, बारात शमशान बना दूंगा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बता दें, ये मामला यूपी के हापुड़ के सिंभावली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव का है, जहां किसी लड़की या दुल्हन नहीं बल्कि एक दूल्हे के घर के बाहर ये धमकी भरा नोट चिपका हुआ मिला। इस नोट के मिलते ही दूल्हे जय सिंह ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट्स के अनुसार युवक का रिश्ता हाल ही में करिश्मा नाम की लड़की से तय हुआ। शादी फरवरी में होनी है, लेकिन उससे पहले इस तरह के धमकी भरे नोट उसके घर की दीवारों पर मिलने से आसपास के इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। बता दे, सिरफिरे आशिक ने इस पोस्ट में लिखा है, कान खोलकर सुन मोंटू सिंह दूल्हे राजा, करिश्मा मेरी है, बारात लेकर मत आना, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा, बारात को शमशान बना दूंगा, जिस भाई को दावत के साथ गोली भी खानी हो वही बारात में आए, अभी केवल हल्का सा ट्रेलर देकर जा रहा हूँ, बाकी फिल्म बारात से चलेगी, यार डिफॉल्टर। दूल्हे और उसके परिवार ने धमकी भरे नोट लगाए जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल शिकायत दर्ज भी कर ली गई है। मामले को लेकर हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। ये थाना सिंभावली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं जय सिंह, उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र लगाया गया है, जिसमें उनके यहाँ जो हाल फिलहाल में उनके बेटे की शादी होने वाली है उसको लेकर के उनको धमकी दी गई, उनको उनके बेटे और परिवार। इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही है, जिसमें आपस में ही घर में प्रतिद्वंदता होने कारण इस तरीके के कुछ ये जो पत्र है वहाँ लगा है। इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक छानबीन करी जा रही है और 2-3 सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ भी की गई है। जल्द इस बारात जानी, कभी ये बारात जानी है, और क्या अगर ऐसा होता है तो बारात कराई जाएगी? देखिए, इसमें फरवरी के महीने में इनके यहाँ शादी होनी और इसमें दोनों परिवार से बातचीत हुई और पुलिस द्वारा इसमें बिल्कुल पूरे परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, कुछ सस्पेक्टेड लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ हुई और प्रथम दृष्टया घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। इसमें अभी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पूरी घटना का निरूपण करते हुए जो सस्पेक्टेड अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 27-28 जनवरी की देर रात की है, जब बदमाशों ने न सिर्फ दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगाए बल्कि उन्होंने आस पड़ोस के घरों में पेट्रोल बम फेंका। उसके धमाके से दूल्हे और उसके परिवार के लोग जाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। टाइम्स नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।